बोलती ना मैं मती माँ पूरा बस में पहुँचा दी गा छाचा मती तनखा पूरा माँ बस में पहुँचा छाचा बस टाइम मती पूरा दी का इतनी सांस चीन गिरी ना तब फिलहाल ना तो इतनी फैक्ट मैंने दी के क्यों से अस्क्या दूँ बस अस्क्या तो दी का ना ता मिल अच्छा ना ला दूँ बस अस्क्या ते ना ता दी का मिल अच्छा ना तिलस पूरा सो से मैं पंगा तांडी का ना था नहीं मारे का तुक चीन यंग गुलचा हमारी मांगे हमारी तनखा हमारी तनखा हमारी तनखा कंसल को पता है, कंसल को पता है। विंटर में इसी फरवरी मार्च के महीने में मैं और फिरोज साहब दोनों सेक्टर में गया था। जिस तरह कल जेटीएन साहब गया ना हमारे न्यू लेवल के साथ, लेकिन मैं भी कैजुअल लेबर का यही वो चाहता था, प्रोटेस्ट चाहता था। ठीक है, वो लोग सेक्टर में गया, सेक्टर से एक चिट्ठी लाया, जो चिट्ठी मैंने उठाया अभी मैं आप लोगों को यही देता हूँ। इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है जो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने पहले तो वेजेस देना बंद कर दिया था ना, जैसे आप लोग बता रहे हैं, जब से भीम में चला गया वेजेस जो है वो नॉन प्लान से आएगा बोलते हैं। उससे पहले जो ना जितना कैपेक्स बजट में जो ना पीएचई को पैसा रखता था, रिकंस्ट्रक्शन रीएक्टिवेशन या कोई भी स्कीम, उस स्कीम के अगेंस्ट आपको डिबेट करके देता था, गवर्नमेंट ने वो बंद कर दिया। लेकिन मार्च में हम लोग जाके ये लेटर तो हमने मार्च में लाया था, यही लेटर कि आप लोगों को जो पास प्रैक्टिस है उसी हिसाब से आप लोगों को वैसे छोड़ बोल के। ठीक है, अब इस साल के मार्च में जो ना हम तो पहले पिछले साल तो था ही नहीं ना, हम तो अक्टूबर नवंबर में आया, तो ये प्लान जो ना ये प्लान पिछले साल का चल रहा था, हम उसी को ही कैरी कर रहे। अब हमारा बजट का प्लान कब है, कल है। ठीक है, अब उसमें हम आप लोगों को पीएचई में जितना भी पैसा स्कीम पे जाता है उस स्कीम में सीसी साहब से अभी मेरा बात हुआ था, हम कोशिश करते हैं उसमें थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा रखने की ताकि आपका वैसे भी जो है उसमें से निकल जाए। बाकी यहाँ नहीं देने का वो प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो गया है, अब देना है। पिछले साल पास प्रैक्ट में जिस तरह आपको मिलता था उसी हिसाब से काम के अगेंस्ट डिबिट करके आपको सैलरी वेजेस देना है। ठीक है ना, अब कल मसला एक उठा क्योंकि ले सीसी जाके लाया वो लाया वो कॉपी ये है, डीसी कारगिल को एक चिट्ठी लिखा है कमिश्नर सेक्रेटरी लद्दाख के फेयर ने कि कैजुअल लेबर सब हड़ताल पे बैठा हुआ है, वो जैसे पहले ले और कारगिल में आप लोग सैलरी उनको देता था उसी हिसाब से कंटिन्यू करो बोल के लेटर, ये आपके पर्सन जो है उसको मैं देता हूँ। इसके बाद जाके अगर आप लोग डीसी से फिर से क्लेरिफिकेशन लेना है, डीसी साहब से जाके क्लेरिफिकेशन ले सकते हैं। यही आप लोगों को बताने के लिए सीसी साहब ने मुझे बताया, कोशिश करते हैं आप लोगों का ये मसला जो है ना वही जैसे आप लोगों ने बोला 12 के 12 महीने पूरे कैजुअल लेबर को दे दे, वो तो पहले से भी नहीं मिलता था। जितना हो सके आप लोग बोलते हैं 3 महीना 4 महीना कुछ न कुछ करके सैलरी देता जाओ, रिलीज करता जाओ, वो 100% मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, इसलिए आए हैं कि हमारे पिछले 2017 से हमारे तनख्वाह जो है हमें नहीं मिल रहा है, पेंडिंग है, तो लिहाजा हम इसलिए उठाते आ गया कि हमें तनख्वाह दे दो। अब इनका कभी तो हमारे सीसी से बोलता है, पिछले रमजान में हम लोग आ गए तो सीसी से बोलता है भाई आप 7 तारीख को आ जाओ, 7 तारीख को ऑफिसर को बुलाकर मीटिंग करेंगे, तो उन्होंने उस पर भी कोई जेर गोल नहीं किया। उसके बाद सीसी से बोला हम 13 तारीख को आपको दे देंगे जवाब, 13 को भी हमें कोई जवाब नहीं मिल रहा है। तो उसके बाद जिन्हें भी अब सीसी साहब कल कह रहा है ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है, लेकिन सीसी साहब साहब ने नहीं मिला अभी, उन्होंने ऐसे कुछ सुनने में आया कि 15 को बोर्ड मीटिंग रखना है उसके बाद जवाब दे देंगे। 15 तो ये दो दिन तीन दिन दिखाते आज महीना गुजर रहा है हमें, अब क्या करेंगे हम लोग। अब डीसी साहब के पास बोल गया तो डीसी साहब बोलते हैं भाई आपको 2 महीने तक हम कोशिश करेंगे, जिनाब हम 2 महीने तक क्या खाएंगे, आप ही सोचो, आप भी तो बाल बच्चे वाले हैं, आप लोग भी तो कुछ सोचो हम लोग हमारे लिए, लेकिन हमारी कोई सुनने वाला खास नहीं है। इसलिए हम आज रोड पे आए हैं, आज थोड़ा बहुत ही हमारे बंदे हैं, कल हम बाल बच्चों को लेके आना है, कल परसों से अगर हमारे मसला हल नहीं हुआ तो हम लोग इस हद पे पहुंच गए हैं। ना हम इस वक्त किसी तक उधार ले सकते हैं, ना हम दे सकते हैं, ना कोई हमें दे दिएगा ना ले सकते हैं, हमें इतना बड़े मुश्किल पे है। हमारी तनख्वाह जो है पिछले 2017 से हमारे पेंडिंग है तनख्वाही, तो हम बोलते हैं कि हमारी कम से कम हमें तनख्वाह दे दो। पिछले दफा बोला हम ईद को दे देंगे, गोल्डन साहब ने भी कहा ईद को दे दो, कारगिल लद्दाख ले तो कुछ नहीं मिल रहा है, सिर्फ बात ये खोखले वादे करते हैं लेकिन देता कुछ नहीं है। शुक्रिया। चंग 2017 का ना ता हाल चुप नचा रहा तनख्वाह मत हो जी सब मुश्किल नचा यो से नची बाहर है नु टोने नु क्या टंकर ना टोने रहा ना बाहर सिक्किम ना गामा किजोली लस्त्रुलेन बिचारो अने फून लग खर्चा तमी खुआ पहने खुआ मरने दे रहा
یارا بازار لا بیچارون لا ادھر فوکس ہے ہٹی پون نظر بیچارون پولیس ہے تم مشکلات دیو ذرا باہر لا سٹوڈنٹ پھوسا سٹوڈنٹ پھون گاما پنے میں پا باہر نہ فیس تا گا جی پھون گاما بیکار چھ چا دم کھون گا تا فیس کون در بلان دے گا چا تی تن کھو مت مو 2017 کنے دی حال لنگا چا لب سین چا نہ جی پھو پھت پر ہرا مشکلات دیو سے نہ مشکلات سون سے درے نہ ان پھو تا مکھا خرچہ manhet pen diringa cha di setup puchuk pa yong sin digra el tu polanga ji din ma pu pura chana sum ma chana nga chi phu bas bis la thugi man nga chet te yong sanga chan dine ga duk chinga ji tam shikhan dine ka shi nga cha 20 sal chu panga chan dine sum sin nga chi service bas e nga chi era dis ka ga chana pun dok to yang jak ma ga me nu kha di nokri masala nu met chan 20 sal ya 30 sal khu dune era ke jo ne ha potential ne vet potential ne shi cha so پت پر یاران من ٹینشن سو سو بیچارن لن نہ نہ باہر لا کھ زما کلی بچما سو نہ باہر نہ کھ کمی بچما سو دیکل بن اسٹین بابو گاما بیچارا کے کیجولن گاما من لاسن کھم پیڑائی بس جھر جھر سے رادا جگہ الیکشن پلا بن یوت پی پرمنن گاما آرام بس کھما کھما دو نچ بیچارا کیجولن 3 دن سے پہلے یارا الیکشن ڈیوٹی چھتا م فیس چانه تنخه کله بنه رنګ اچا 2-3 سال اچا تنخه ماتم دي حالت گله مهربان شکریہ.